सलमान से जो मैं पहली बार मिली तब मैं 14 साल की थी एंड मुंबई में ही मैं मिली. पहली बार मिलते ही सलमान सर ने मुझसे कहा कि तुम बहुत जल्दी मेरी फिल्म में गा रही हो. बट ही वॉज सो स्वीट टू हैव मेड मी सिंग इन हिज फिल्म, द सॉन्ग कॉल्ड मेहरबानियाँ इन द फिल्म कॉल्ड वीर. उन्हें मेरी चैरिटी के बारे में पहले से पता था. रूमी अंकल ने उन्हें बता रखा था कि मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए गाती हूँ. सो ही वॉज सो हैप्पी टू नो दैट. एंड आई थिंक उस चैरिटी की वजह से ही उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी. सलमान सर ने मेरी वेटिंग लिस्ट के 100 बच्चों के ऑपरेशन करवाए हैं. ये मैंने पहले आज तक बताया नहीं है, बट 100 ऐसे बच्चे जो कि लास्ट स्टेज पर थे, जिनके पास ज़रा भी फंड नहीं था ऑपरेशन करवाने के लिए, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थे, उनके उन्होंने ऑपरेशन करवाए. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर हेल्पिंग मी एंड माई किड्स. सलमान सर की सारी पिक्चर्स मेरी फेवरेट पिक्चर्स हैं. इनफैक्ट जब भी मैं टीवी देखती हूँ तब मैं सबसे पहले सर्च करती हूँ कि सलमान सर की कोई फिल्म आ रही हो. एंड सलमान सर सिर्फ अच्छे एक्टर ही नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं. बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं वो अनकंडीशनली, एंड वो किसी को दुखी नहीं देख सकते. आई थिंक अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम नहीं भी बताओ तो उनको समझ में आता है और वो अपनी तरफ से हेल्प कर देते हैं. एंड मेरे करियर में उनका बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, बिकॉज मुझे अपना पहला गाना एक था टाइगर का पता उन्होंने ही दिलवाया था. उनकी रिकमेंडेशन की वजह से ही मुझे वो गाना मिला. फिर उसके बाद उन्होंने उनकी फिल्म जय हो में फोटोकॉपी गवाया, देन किक में जुम्मे की रात द मोस्ट स्पेशल सॉन्ग मुझसे गवाया. इनफैक्ट आने वाली पिक्चर्स में भी गवा रहे हैं. सो मैं ये मानती हूँ कि अगर सलमान सर नहीं होते मेरी लाइफ में, मेरे करियर में इतना बड़ा सपोर्ट नहीं होता उनका, तो शायद मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं होती. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता तब जाकर पहला ब्रेक मिल पाता. सो सलमान सर की सारी फिल्म्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट किक इज़ माई मोस्ट फेवरेट बिकॉज उसमें मेरा भी छोटा सा इन्वॉल्वमेंट है जुम्मे की रात के साथ. सो किक इज़ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म. सलमान सर से जब मैं पहली बार मिली थी तभी से उनके साथ एक कनेक्शन था, बिकॉज जब भी मैं उनसे मिलती हूँ बहुत सारे एडवाइस उनसे मिलते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आगे प्लानिंग करनी चाहिए. छोटी सी छोटी बात पे वो मुझे सलाह देते हैं एंड छोटी से छोटी बात मैं उनसे पूछ के करती हूँ, अपने करियर के डिसीजंस उनसे पूछ के लेती हूँ. सो आई थिंक उनका गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. पलाश को भी सलमान सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. पलाश के गाने पलाश सबसे पहले सलमान सर को ही सुनाता है, उनसे अप्रूवल लेता है. एंड सलमान सर बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, ना सिर्फ मुझे और मेरे भाई को, दूसरे लोगों को भी वो बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं. बट पलाश और मेरे साथ उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. चैरिटी में भी है, हमारे करियर्स में भी है, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड छोटी छोटी बातों में उनका इन्वॉल्वमेंट है. सो हम खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं.